आप कुछ लेने के लिए बताए क्या गोल्ड की वो मेरे इयर रिंग्स नहीं वैसी ये वाली ठीक लग रही है ये वो दिखा दो वैसे दिखा दो यू डॉग सब मेरे कमेंट थे ना कि ये चेंज कर लो मैं तुम्हारा लड्डू मतलब ये जो ये अब कांच ना Hey guys, welcome back to our channel. आप सभी का स्वागत है तो गाइज आज हम लोग रेडी हो चुके हैं. हमारे घर की लगभग पूरी सफाई हो चुकी है तो अभी हम लोग जाने वाले हैं दिवाली की कुछ शॉपिंग करने के लिए. तो जिसमें कि हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें लेनी है, स्पेशली हम लोगों को गोल्ड भी परचेस करना है. तो अभी हम लोग जाने वाले हैं. क्या लेने वाले हैं आप लोगों को आज पता चलने वाला है. और स्पेशली महक के लिए कुछ लेने वाले हैं, गोल्ड की कुछ चीज़ें भी लेंगे और दिवाली का डेकोरेशन का कुछ सामान भी लेंगे. तो बहुत मज़ा आने वाला है, ब्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है. तो वीडियो में बने रहिएगा. तो अभी मम्मी भी रेडी हो चुके हैं. मम्मी हो गए कि नहीं हो गए रेडी? आप रेडी हो गए? तो चलो चलते हैं, आ जाओ. तो गाइस मम्मी भी रेडी हो चुके हैं. साड़ी पहन ली कम्प्लीट. मम्मी तो सिंपल ही साड़ी पहन के चल देते हैं भाई, ये देखो. पर मम्मी सिंपल साड़ियाँ में भी बहुत अच्छे लगते हैं. और स्पेशली मम्मी की जो साड़ियाँ हैं ना इतनी ज़्यादा फेमस हो चुकी है, मुझे लग रहा है कि मम्मी जल्दी बुटीक खोलने वाली है. क्यों चले? और महक तो अच्छी लगती है. महक ये वाली साड़ी तुम पर बहुत अच्छी लगती है, ये वाली एक स्पेशली, वो पिंक वाली और एक ये वाली. तो यहाँ पर ये निकाल रहे हैं बुलेट, क्योंकि हम बुलेट से जाने वाले हैं. इसमें अच्छे से हम बैठ कर चले जाते हैं, इसीलिए कोई दिक्कत नहीं आती है. तो एक्टिवा में भी आ जाते हैं, लेकिन एक्टिवा में थोड़ी सी प्रॉब्लम ये होती है. सोमन को भी चलो ले चलो ले चलो, ये इधर शिफ्ट कर देंगे. क्या आपको इतनी जल्दी हो रही है यार? तो क्या करें, आप तो इतना एक्साइटेड हो, शांति रख लो थोड़ी सी. इस चीज की इधर शिफ्ट कर देंगे ये बोल. अच्छा क्या अब कुछ होगा? हां चलो निकालता हूं भाई. पीछे आराम से जाना, नहीं तो पीछे खेला है. देख इस बाइक को गाइस पता है सिर्फ मैं ही निकाल पाता हूँ ठीक से. पूरे घर में किसी को निकालने ही नहीं आती है भाई. अच्छा सोन भी निकाल लेता है पर बैठ के नहीं निकाल पाता. हाँ बैठ के नहीं निकाल पाता. यहाँ पर हमारे साथ सोहन भैया भी चल रहे हैं, तो उनको बोला है हाँ कि चेंज कर लो, नहीं तो वो ऐसे ही चल रहे थे उनकी फेवरेट टी शर्ट में. और क्या और क्या और क्या चाहिए आपको? चश्मा. चलो सारी चीज़ें है ना ये पहन लेते हैं यहाँ पर, और सब चीज़ें फिर मंगवाते हैं. चश्मा ला दो, चाबी ला दो, माइक ला दो, ये ला दो, पहले ले लिया करो आप सारी चीज़ें. तो गाइस हम लोग रास्ते में आ चुके हैं भाई बुलेट लेके, और मम्मी का और इनका भी प्लान हो गया, क्योंकि पहले से मम्मी चल रहे थे अभी हम लोगों के साथ में, लेकिन अब सोहन को भी लेके आ गए हम लोग. सोहन भैया हमारे साथ रहते हैं हमेशा, बुलेट पे फिर वो ट्रिपल सेटिंग नहीं करें तो हाँ. सोहन को भी लेके आ गए साथ में. तो चलो अभी चलते हैं, फटाफट से पहुँचते हैं और मार्केट का भी आपको हाल दिखाते हैं. तो बने रहिएगा. गाइस देख सकते हो कि मार्केट में काफ़ी ज़्यादा भीड़ है भाई, और हम लोग मार्केट की ओर बढ़ रहे हैं. जैसे जैसे भीड़ भी बढ़ती जा रही है, आप लोग देख सकते हो कितनी ज़्यादा ट्रैफिक हो रहा है अभी, बहुत ज़्यादा, और ट्रैफिक में हम लोग फंस गए ये देखो आप. तो चलो चलते हैं, पहुँच के फिर दिखाते हैं आपको आगे. गाइस हम आए हैं आप कुछ लेने के लिए, बताए क्या है गोल्ड की वो मेरे इयर रिंग्स जो कि अभी निकाल दिए हैं, जो मैंने पहन रखे थे ना वो चेंज करवाने के लिए हम लोग आए हैं. तो यहाँ पर हम डिज़ाइन देख रहे हैं, सारे ट्राई कर करके देख रहे हैं. तो अभी हमने एक ये वाले पसंद करे हैं जो कि ट्राई करें. आ गया क्या? नहीं आएगा, नहीं आएगा इसको चेंज. पेज बड़ा है, पेज बड़ा है इसका, छोटा हो ले जाना है. वो तो हो जाएगा हमें, छोटा तेल लगेगा. बस ऐसे टांग के दिखा दो, वैसे दिखा दो. देखना गिर नहीं जाए. हाँ अच्छा, वो भी पूरा परफेक्ट पता चलेगा. और भी डिजाइनर से गाइस देख सकते हो आप लोग, यहाँ बहुत सारे डिजाइन देखी अभी हमने. हाँ ये वाला डिजाइन बहुत अच्छी लगी थी, थोड़ा न्यू है ना. हाँ देखो गाइस आपको थोड़ा सा पास से दिखा देता हूँ, देखो कैसे लग रहे हैं ये वाले, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना. जो वाली थी ना गाइस वो जब मैं 6 साल की थी ना तब की मैंने पहन रखी थी, तो उसका चेंज करवाना था, तो इन्होंने आज बोला.
दो चार आठ दिन वो तुलसी की लकड़ी पे नहीं तुलसी की लकड़ी ठीक है ना, ये दूसरी चीज भी लेने लग गए वो निकाल देंगे गाइस, ये चेंज करवाना है इसका महक का। आप सभी के कमेंट थे ना कि ये चेंज कर लो महक तुम्हारा लड्डू मतलब जो ये अब कान नाक में जो पहन रखा है तुमने वो चेंज कर लो महक, बहुत लोगों ने कमेंट करा था तो मुझे याद आ गया तो सोचा कर ही लेते हैं, आए तो बोल ही देती हूँ इनको। रेडी चलो, आपका फेवरेट झोला पर्स। हाँ पर्स मिल गया मेरे को, है ना, पर्स की क्या जरूरत है ना, वो चाहिए तो बड़ा पर्स खरीदा है ना जो साइड पर्स उसके अंदर रख लो इसको, हाँ। कुछ भी सामान रखना है, पैसे रखना है, कैश रखना है, वो तो अच्छा लगता है, दुकान वालों की बात नहीं माने जब तक झोला और पर्स नहीं हो। तो गाइस यहाँ पर हमने लॉन्ग ले लिया, ये वाला लॉन्ग हमें पसंद आया है जो कि अभी पहनाना है, जो मैंने पहन रखा था ना वो निकाल दिया है और जो मैंने कान के पहन रखे थे ना वो भी निकाल दिया, जो कि अभी नहीं पहने हैं घर जाकर पहनेंगे। नाक का है ये भी, मतलब मुझे ऐसा कर दिया बिल्कुल सब कुछ निकल गया। गाइस यहाँ पे सोहन का भी कान छिदवा दिया गया और सोहन के कान के अंदर भी यहाँ पे बाली डाल दी गई भाई, और आप लोग देख सकते हो कि मुझे नहीं पता था कि सोहन का कान भी पहले से छिदवा है और इसके कान के अंदर भी सोने का ये पेस्ट डाल दिया गया, देखो आप खुश हो रहा है बहुत। गाइस फिर ये वाला जो लॉन्ग हम लोगों ने यहाँ पे परचेस किया था तो उसके बाद में महक की नाक के अंदर वो डाल रहे थे भैया, और महक को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था और महक की आंखों के अंदर आप लोग आंसू साफ देख पा रहे होंगे क्योंकि महक कितना ज़्यादा दर्द में है, क्योंकि नाक के अंदर वो जब जाता है ना तो बहुत पेन होता है भाई सच में। देखो ये एकदम से रोने लगी फिर, और फिर वापस से प्रिपेयर करा अपने आप को और वापस से फिर डालने लगी, फिर वापस से निकाला उसको भैया ने क्योंकि वो सही तरीके से नहीं डाला था, तो वापस से निकालने के बाद में फिर वापस से उसकी आँखों में आंसू आ गए क्योंकि बहुत ज़्यादा पेन होता है सच में, मुझे पता है वो चीज़ कि मैं क्या महसूस कर रही हूँ कि वहाँ पर। और फिर भैया ने फिर अंकल ने वापस से डालने की कोशिश करी उसके अंदर और फिर आ गया अच्छी तरीके से, क्योंकि वो पहले सही तरीके से तार जो था ना वो मुड़ा नहीं था, लेकिन फिर दोबारा कोशिश करने के बाद में वो अच्छी तरीके से मुड़ गया, अंकल ने अच्छी तरीके से उसको मोड़ दिया और अब परमानेंटली महक की नाक के अंदर वो डल गया। देखो महक यहाँ पर मुझे डरा रही थी, आपकी शॉपिंग तो गोल्ड की जो थी वो तो पूरी हो चुकी है, तो अभी हम लोग जाने वाले हैं। बताना बताना भाई कमेंट सेक्शन के अंदर कि कैसा लग रहा है इसके ऊपर, थोड़ा चेंजेस आया, थोड़ा सा मुझे अटपट अटपट लग रहा है, वो स्टार्टिंग में लगेगा तुमको लेकिन उसके बाद में नॉर्मल हो जाएगा। चलो गाइस अभी तो बहुत सारी शॉपिंग बाकी है भाई, तो चलते हैं अभी मार्केट के अंदर और दिखाते हैं आप लोगों को मार्केट का माहौल भी कैसा हो रहा है, तो चलो बने रहिएगा आप लोग। चलो ये रही हमारी बुलेट, तो हम वहाँ से ज्वेलर्स की दुकान में से आ चुके हैं और अभी हम जा रहे हैं कुछ दिवाली के डेकोरेशन का सामान लेने के लिए, जो कि सामने शॉप दिख रही है हमें यही पसंद आई है, शॉप में बहुत सारा सामान दिख रहा है इसी वजह से। चलो चलते हैं भाई, डेकोरेशन का सामान है लेना तो पड़ेगा, दिवाली आ रही है, साफ़ सफाई तो हो चुकी है लेकिन थोड़ी बहुत साफ़ सफाई जो है ना वो बची हुई है, तो फाइनली वो भी कर लेंगे अभी दिवाली में तो टाइम है। ये बाहर के लिए कैसी रहेगी, बाहर लगाने के लिए गेट पर अच्छी लग रही है तो। आ, वो ऐसा हो जाए, भीड़ बहुत ज्यादा हो रही है भाई, आप लोग देख पा रहे होंगे शायद, मुझे अच्छी लग रही है, अगल बगल टांगने के लिए ले लो और बाकी एक ऊपर टांगने के लिए। ये शादी वाले, तेरी शादी कर रहा हूँ, करवा दिया क्या, ये पत्ती भी है, पत्ती तो अपने पास में रखी हुई है, बेल ओरिजिनल वाली। शुभ दिवाली, कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, प्यारा लग रहा है, चिपकाओगी कहाँ इसको, बाहर गेट पर, जो अपना गेट है ना बड़ा वाला उस पे से चिपक जाएगा ये निकल कर, तब प्यारा लग रहा है, अच्छा लग रहा है ये, चल इसको भी ले लो। नहीं वैसी दिवाली ठीक लग रही है, ये वो वाली अलग दिख रही है, वो थोड़ी ये थोड़ी डार्क रही है, उसमें दो मिक्स है भाभी, मैं बताऊं आपको उसमें वो लाइट में आपको फर्क दिख रहा है, आप बोलो तो वो निकाल दूंगा, है वही चीज, सेम है बेफिक्र हो, ये चाहिए था मैं इसलिए वो नंबर देख के आया, इसलिए मैंने बोला ये तो मुझे बहुत अच्छी लग रही है, ये भी अच्छी लग रही है, ये वाली ये ऐसी गाड़ी पर ये देख लो भैया, ये देखते रहे ना। तो
तो यहाँ पर गाइस हमारी जो डेकोरेशन की जो शॉपिंग थी वो ख़त्म हो गई है, तो हम सारा सामान ले लिया डेकोरेशन का और कुछ जो याद आता रहेगा वो लेने के लिए फिर आएंगे। अभी तो बहुत सारी चीज़ें लेनी है पूजा की, जैसे पूजा का जो सामान वगैरह होता है सब, पूजा की थाली वगैरह सब कुछ लेना। अभी टाइम है दिवाली में, तो हमने सिर्फ डेकोरेशन के ही सामान लिया क्योंकि धनतेरस के दिन डेकोरेशन मतलब कर ही देंगे पूरा घर का हम, इसलिए। तो अब चलते हैं आगे। बाय अंकल, थैंक यू। चलो चलते हैं, चलो। ये थोड़ी टेंशन आ रही है। दिवाली की पूजा के लिए चप्पल है, चप्पल ये आपके लिए हिसाब से थोड़ी हो गई। ये वाली देखो कैसी लग, इसके एक और देना मम्मी आपको, मम्मी को ना ये वाली थोड़ी ठीक लग रही थी लेकिन वो साइज बड़ा जी हां। जूते ही बता दो फिर, देखो ये वाली पूछिए दिखा दे, जूता बता रहे ना। आपको कौन सी जानी अभी, मेरे नाप के अभी निकालेंगे पहले, एक एक जने के तो फिक्स कर दे। सही है, बता दे बाद में मत कहना कि ये नहीं जम रही तो पहनो ही नहीं। वो एक स्लीपर तो हमारा की है, सैंडल है वो बहुत ऊंची है, नहीं सैंडल भी रखी है और इतनी ऊंची है, मैं इतनी लंबी जाती हूँ, पहले तो मेरी हाइट है और हाइट ज़्यादा लगती है उसमें। हाँ ये वाली ठीक है ना, फिक्स कर ले। हाँ इसका डेली उसके लिए चाहिए मुझे। अब आगे मत बोलना कि ये वाली नहीं जम रही, जूते बता दो नीले वाले। हाँ ऐसी बड़ा साड़ी ये वैसी वाली नहीं, मुझे साड़ियों पे चाहिए। इसके नाम का बताना। इस मम्मी और महक की तो शॉपिंग चल रही है, सोहन ने भी दाव खेल लिया। सोहन को भी स्लीपर चाह गई अब, ठीक है अब ऐसा ही है। हाँ सोहन ने बोला कि मुझे भी दिलाओ भैया, तो मैंने बोला कि चल ठीक है ले ले तू भी। तो अभी सोहन इस टाइप की कुछ चप्पल देख रहा है, वॉकर टाइप से कुछ इस टाइप से, ये देखो आप इस टाइप से कुछ देख रहा है घर में मतलब डेली यूज़ के लिए। चलो देखते हैं कौन सी पसंद आती है, दिखाता हूँ। देखो भाई कैसी लग रही है आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना। ये सोन फिक्स है यार, सही है, ठीक है डन, ओके। अच्छी है क्या बत्ती? हाँ तो अच्छी है, ए सी अच्छी। देखो उधर सिलेक्शन चल रहा है, मतलब दिवाली तो इनकी शॉपिंग चल रही है। क्यों यहाँ पर हमारे धनतेरस की सारी शॉपिंग कंप्लीट हो चुकी है, जो भी सामान था सब कुछ हम लेकर आए हैं यहाँ पर, हमारी चप्पल वगैरह सबकी, सैंडल आ गई मेरी भी आ गई, मम्मी की भी आ गई, सोहन भैया की भी आ गई यहाँ पर। सोहन ने स्पेशली उसके लिए ले ली भाई, मतलब हाँ। उसने जुगाड़ लगाया, दिखा दिखा दी थी वहाँ पे एक बार। और ये देखो सोहन भैया के लिए ले है, उनको चाहिए थी लेकिन उनके पास ऑलरेडी थी, फिर भी दो थी फिर भी चाहिए उनके पास में। और ये देखो मम्मी की काफी ज्यादा थोड़ी सी कॉस्टली हुई लेकिन अच्छी लगी। हाँ सबसे ज्यादा महंगी मम्मी की है। ये देखो मम्मी की अच्छी लगी, पर एक नंबर मेरे को तो एक नजर में पसंद आ गई थी। वो पसंद तो मुझे भी आ गई थी, पर ये थोड़ा सोल रहता ना, थोड़ा ऊंचा रहता इसलिए थोड़ा वो लगता है, अच्छी लगी। सभी की चप्पल है और यहाँ पर सारा डेकोरेशन का सामान दिवाली का इसके अंदर है, जो जो हम लोगों ने लिया अभी, अब जब डेकोरेशन करेंगे तभी दिखाएंगे इसको तो। और यहाँ पर सबसे स्पेशल चीज जो छुपा रखी है, जो कि मेरी धनतेरस पे जो मैंने लिया है, मतलब मेरे हस्बैंड की तरफ से धनतेरस पे मुझे गिफ्ट मिला है इतना अच्छा। देखो ये रहा, देखो ये देखो गोल्ड के इयररिंग्स कितने प्यारे लग रहे हैं ना। हाँ, मैं उसको पहन के बताऊंगी आपको कैसे लगेंगे, मुझ पे कैसे सूट होंगे सब दिखाऊंगी मैं। अब तुम्हारी वो वाली बाली चेंज कर देंगे आप। हाँ वो वाली बाली चेंज करके ये वाली पहन लूंगी मैं। ठीक है, अच्छी लग रही ना। मम्मी की चोरी से गई थी ये, मम्मी की चोरी। और मम्मी पता है उन्हीं के पास लेके गई मेरे को कि जहाँ पे से वो लेते हैं। हाँ, और ये इनकी चॉइस है। हाँ। ये आपकी चॉइस है और ये मम्मी की चॉइस। ये चुपचाप लेके आए थे ना। हाँ, तो मैं दूसरे ज्वेलर्स के पास गया था, मम्मी उसने लेके रख लिया था, हमें तो पता ही नहीं था। हाँ। उस टाइम गोल्ड पता है सस्ता था उसका। हाँ
जब मैंने लिया था ना उस टाइम, और अभी तो मतलब पता नहीं गोल्ड का तो ऐसा चल रहा है कि बढ़ ही रही है। क्यों मम्मी कैसी लग रही है डिजाइन दिखाने, कमेंट करके जरूर बताना। चलो गाइस थैंक यू सो मच, और ऐसी प्यार सपोर्ट करते रहना। और आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, आप सभी को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप लोगों ने क्या लिया धनतेरस के ऊपर कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है। सो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, चैनल पर जो ने विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, मिलते हैं आपको।